ओके, सो अब तक जो हमने पढ़ा, भगवान ने योग शब्द का अर्थ बतलाया। योग क्यों करना चाहिए, हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है, किस लिए एक योगी को योग की आवश्यकता होती है, इस सब के विषय में हमने अब तक देखा, जिसमें कि हमने देखा जीतात्मनः, जितेंद्रियः और फ्रीडम फ्रॉम जन्म मृत्यु जरा व्याधि। किस प्रकार से योग के द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जाता है, इन सारी चीजों को पढ़ा। आज के श्लोक में, श्लोक संख्या 11 और 12 में, भगवान अष्टांग योग की विधि को बतलाने जा रहे हैं। इन दोनों श्लोकों में विधि को बतलाया जा रहा है कि अष्टांग योग किस प्रकार से किया जाता है। तो ये दोनों श्लोक हमारे लिए प्रैक्टिकली करने के लिए नहीं है, जिसको कि हम इसको पढ़ने के बाद समझ सकते हैं कि हम इसको नहीं कर सकते हैं। यह एक कंपैरेटिव स्टडी है कि किस प्रकार से इस युग के लिए जो योग हमको बतलाया जा रहा है, भक्ति योग का, वो कितना हमारे लिए सरल है तुलना में अष्टांग योग की। तो इन दोनों श्लोकों में इसकी व्याख्या की जा रही है। तो अभी हम लोग अध्याय 6 श्लोक संख्या 11। शुचौदे से प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानस नमात्मनः, स्थिर मानस नमात्मनः नाति नाति नीचम चैलजि चैलजिन कूश उत्तरमत। जस्ट अ मिनट, डिस्प्ले प्रॉब्लम। यस, ओके। नाचि उच्छरितम नाति नीचम चैल चैलाजीन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। यह जो लाइन है, योगम आत्मविशुद्धये, इस पूरे दोनों श्लोक का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इस 12वें श्लोक का ये लास्ट पार्ट, युञ्जन युञ्जुन याद्योग आत्मविशुद्ध है। अब ये इतने बड़े बड़े लाइन है, तो प्रभुपाद जी इसको इंग्लिश में बड़े अच्छे तरीके से ब्रेक करके लिखते हैं कि युञ्जन याद योगम आत्मविशुद्ध है। मतलब यहां पर भी इन सारे प्रोसेस को बतलाने के बाद बावजूद भगवान बतला रहे हैं कि योग आत्म की शुद्धि के लिए है, या हमारे चेतना की शुद्धि के लिए है। किसी भी योग का मतलब हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे चेतना, हमारे चित्त की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस होता है। और बाकी चीजें जो बतलाई गई हैं, उसकी व्याख्या हम करेंगे। ये किस प्रकार से हमको अष्टांग योग की विधि करनी चाहिए, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस तरह दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो इन सारी चीजों को देख करके हमको एक चीज, जो कॉमन, जो इंपॉर्टेंट चीजें जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, वो इस प्रकार से है। इस श्लोक में आप देखिए,
इस ट्रांसलेशन के माध्यम से कि योगाभ्यास करने का जो जो पर्पस है वह क्या है। योगाभ्यास के द्वारा हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है, वह बतलाया जा रहा है यहां पर। और क्या पर्पस है इसमें, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट मैं हैंडल ओके। यहां पर जो अलग अलग पोस्चर्स की बात की जा रही है कि सबसे पहले जो है व्यक्ति को एक ऐसे स्थान जो कि एक मिनट या यहां पर कुछ प्रोसीजर्स कुछ तरीके बतलाए जा रहे हैं कि जब हमको योगाभ्यास करना है तो जो जमीन होना चाहिए वो न तो ज्यादा ऊंचा और ना ही नीचा, और उस पर भी कुश का बना हुआ एक मैट होगा और उसके ऊपर मृग छाल या उसके ऊपर कोई सॉफ्ट मुलायम वस्त्र बिछा देना। तो ये बैठने का तरीका, वो जो स्पेस, वो जो प्लेस है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और वहां पर बैठ करके मन तथा इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना होगा, एक योगी को करना होगा, और उसे ध्यान करना होगा एक बिंदु पे। और इस प्रकार उसको ये सारे प्रोसेस क्यों है, जिससे कि वो क्या कर सके, वो अपने हृदय को शुद्ध कर सके, चित्त को शुद्ध कर सके। तो ये पर्पस है इस अष्टांग योग का। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल है। सबसे पहला कि जो प्रोसेस बतलाया जा रहा है कि जिसमें व्यक्ति को एक ऐसा जगह ढूंढे, एक ऐसा आसन ढूंढे जो बहुत ऊंचा नहीं हो नीचा नहीं। एक्चुअली ये सारी चीजें थोड़ी सी समझ से बाहर है, ये ऊंचा नहीं हो नीचा नहीं हो। हम एक चेयर पे बैठते हैं, हम एक सोफे पे बैठते हैं या हम एक फर्श पे बैठते हैं, ऐसा कहने का क्या मतलब है कि ऊंचा नहीं हो या नीचा नहीं हो। ये तो कंट्रोल किया ही जा सकता है कि हम कहां बैठ रहे हैं। फिर इस प्रकार की चीजें जो बोल रहे हैं, न नीचा हो न ऊंचा हो, ये सारी चीजें इसलिए यहां पर फोकस किया जा रहा है क्योंकि ये सारी चीजें अष्टांग योग जो है पूरे तरीके से एक्सटर्नल चीजों पर निर्भर है। वहां पर नाम के जप, वहां पर भगवान के नाम का जप नहीं है, वहां पर भगवान के नाम के शक्ति के द्वारा भक्ति शक्ति के द्वारा कार्य नहीं हो रहा है। वहां पर टोटल जैसे मशीन काम करता है, किसी यंत्र को काम करने के लिए जितने भी एक उसके लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट, एक उस प्रोसेस में जो जो चीजें चाहिए उसकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अष्टांग योगी को भी अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए इन सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्ण एक भक्ति योगी जो होता है, किसी भी अवस्था में रहे, सोफे पे बैठे, टेबल पे बैठे, पहाड़ पे बैठे, फ्लाइट पे रहे, ट्रेन में रहे, बस में रहे, साइकिल पे रहे, किचन में हो, ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, कहीं भी हो,
और जप करे उसको उसका फायदा होगा, है ना, उसका उसको बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है ये भक्ति मार्ग जो है और ध्यान मार्ग जो है, स्टांग योग जो है और भक्ति योग जो है, इसमें ये फर्क है, ये अंतर हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तात्पर्य में, तो हम सभी तात्पर्य की तरफ ध्यान देंगे। कृष्णा, ओके, तात्पर्य, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। देखिए, अष्टांग योग करने के लिए आप शहर में नहीं कर सकते हैं, सबसे पहला तीर्थ स्थान सूचक है, हरिद्वार, हिमालय, ऐसे स्थानों पे हमें जाना पड़ेगा। तो कितने लोग कर पाएंगे? सारे लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों में से कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो कोई व्यक्ति जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। सबसे पहला इसमें बोला गया पवित्र स्थान पे बैठना है। तो पवित्र स्थान तात्पर्य प्रभुपाद जी बतला रहे तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। यहां यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं, किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथा कथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो अंतर और जो आत्मसंयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग, वर्तमान युग में, जबकि लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं में व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम्, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बतला रहे हैं सबसे पहला किस प्रकार से ये जो भी प्रोसेस, जो भी पद्धति बतलाई गई, वो अभी वर्तमान समय में, आधुनिक समय में हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहां बोला जा रहा है सबसे पहला कि हमको पवित्र स्थान पे रहना पड़ेगा, तीर्थ स्थान पे रहना पड़ेगा। लेकिन आप लोग में से कितने लोग हैं जो तीर्थ स्थान में है? कोई नहीं। तो हम लोग तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि बहुत सारे लोग एकांत स्थान के लिए घर त्याग करके मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे स्थलों पर जाते हैं, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, केवल घर त्याग करके इन सारे स्थानों पर बैठने से कोई फल नहीं मिलेगा। ये तो पहला एक कंडीशन है क्या, तीर्थ स्थान पे जाना है, उसके बाद इसमें जितने प्रोसेसेस है उन सब चीजों को फॉलो करना है। क्या हम एक जगह पे बैठ पाएंगे उतनी देर तक? घर में आराम से तो बैठा नहीं जाता है हमसे, चेयर पे, सोफे पे।
और वो बिल्कुल सख्त जगह पे कितने देर बैठना है, 15 मिनट्स 20 मिनट्स नहीं। अष्टांग योग करने के लिए खाना पीना सारी चीजें भूल करके, एक्सटर्नल सारी चीजों को भूल करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सारी चीजें करना है। तो सबसे पहला जो इसमें बतलाया गया है कि ये संभव नहीं है अभी कि हम सारी चीजों को छोड़ करके वृंदावन और इन सारी चीजों में एकांतवास करें। सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ लोग आ भी सकते हैं, आने के बाद कितना कर पाएंगे ये भी पता नहीं है। और दूसरा जो पॉइंट यहां बतला रहे हैं प्रभुपाद जी कि बड़े बड़े जगहों पे ऐसे बहुत सारे योगा क्लासेस होती हैं जो कि लोगों को ठगते हैं, वो धन इकट्ठा करते हैं और हम सोच रहे हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक फील्ड में हम उन्नति किए जा रहे हैं, ऐसा हमको फील होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बड़े बड़े शहरों में रह करके योगाभ्यास किया ही नहीं जा सकता है। तो वो जो योग समितियां हैं, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस नाम पर लोगों से पैसे लेते हैं और उनको बॉडीली एक्सरसाइज वगैरह ट्रेनिंग देते हैं, वो एक श्रमेव ही केवलम, सेम जैसे जिम जाते हैं वैसे आप योगाभ्यास करते हैं, तो उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई कंपैरिजन नहीं है, अध्यात्म से उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है यहां पर कि वो व्यक्ति जिसका मन विचलित होता है, जो आत्मसंयमी नहीं है, तो हम लोगों में से कितने लोग हैं ऐसा जिसका मन विचलित नहीं होता है, जो आत्मसंयमी है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। तो हम लोगों में से एक लोग भी ऐसे नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी जब तात्पर्य के लास्ट पॉइंट को लिख रहे हैं हम लोगों के लिए, इसीलिए बृहत नारदीय पुराण में क्या बोला गया है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस युग के लिए, कलयुग के लिए केवल भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का गायन, 3 बार बोला गया है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम, ऐसा कंफ्यूज ना हो जाए कि क्या कंफ्यूजन, कोई दुर्गा को गा रहा है, कोई शिव जी को गा रहा है, कोई गणेश जी के विषय में गा रहा है, नहीं, हरिर नाम, कंफ्यूज ना हो जाए। कुछ लोग तो भक्ति में आते हैं और यहां वहां घूमते रह जाते हैं, करेक्ट। तो बिल्कुल बतलाया जा रहा है कि कलयुग में सबसे पहले तो मेथड क्या है, संकीर्तन, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, there is no any other method। जैसे बोलते हैं ना, तलाक तलाक तलाक, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो ये सारी चीजें जो है हमारे शास्त्रों से आया है। शास्त्रों में किसी भी चीज को पे जोड़ देने के लिए उसके प्रभाव को, उसका डिसाइटेशन, उसको 3 बार बोला जाता था। इसलिए यहां पर बोला गया है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम 3 बार एव केवलम। ठीक है। तो इस तात्पर्य की का जो ये लास्ट लाइन है, प्रभुपाद जी ने देखिए एक्सप्लेन नहीं किया ऊंचे पे नहीं बैठना है, नीचे पे नहीं बैठना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए है ही नहीं, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अष्टांग योग को सही में जैसा बोला गया है और चुना जाए कि कितने लोग कर पाएंगे, तो पता चलेगा 1-2 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और शास्त्र बोलता है मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवान्ते,
84 लाख योनियों में घूमते घूमते लब्ध्वा क्या प्राप्त किया हमने, सुदुर्लभम, सुदुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ मीन्स वेरी वेरी प्रीसियस, सुदुर्लभम और बहुत ज्यादा प्रीसियस इंपॉर्टेंट क्या है, मानुषम, ये जो मनुष्य जीवन मिला इतना इंपॉर्टेंट है, और बोल रहे हैं कि हम अष्टांग योग कर नहीं सकते हैं, कोई करने में एलिजिबल नहीं है। तो इसीलिए बृहद नारदीय पुराण का जो ये लाइन है जो बतला रहा है कि हमको मनुष्य जीवन मिला है, हम कलयुग में है, तो हमको ध्यान योग करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान योग, ये जो अष्टांग योग है, कब किया करते थे, कृते यद ध्यायतो विष्णु, ये ध्यान योग सतयुग में करते थे, कृत युग, कलौ तद हरि कीर्तना, श्रीमद् भागवत में बोला गया है कलयुग में क्या करना है, हरि कीर्तन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और अपने शरीर को और इंगेज करने के लिए, इंद्रियों को इंगेज करने के लिए हमको भगवान की सेवा करनी है, भगवान का विग्रह, भगवान का फोटोग्राफ्स जो भी हो, एक ऑल्टर टेम्पल घर में क्रिएट करके और फिर उनकी सेवा करनी है, जिससे कि हमारी इंद्रियां इंगेज्ड हो, क्योंकि कभी भी बिना काम किए हम रह नहीं सकते। भगवद गीता में भगवान ने बतलाया है 3rd अध्याय में, एक क्षण के लिए भी व्यक्ति बिना काम किए नहीं रह सकता, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, अकर्मकृत बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते हैं, कोई ना कोई कर्म करना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास दो तरह के एक्टिविटी तो सबके पास है, अच्छा बुरा, और अच्छा और बुरा हमने ये भी पढ़ा 3rd चैप्टर में, ये दोनों सकाम कर्म, सकर्म और विकर्म, दोनों हमको इस संसार में बांधता है। तो क्या कर्म करना चाहिए, हमें अकर्म करना चाहिए, वैसा कार्य करना चाहिए जो भगवान की इंद्रियों को आनंद प्रदान करे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न, अगर नहीं है तो आपके पॉइंट्स लेंगे, बहुत दिन हो गए आप लोगों को कुछ बोले हुए। यस, फर्स्ट पॉइंट कौन बोलेगा, फर्स्ट पॉइंट बोलेंगी रानी जायसवाल माता जी, नहीं है, ओके, ठीक है, सुषमा कौल माता जी, मिशन तो दिया है हमने, हाँ, हरे कृष्णा बोलिए, आप म्यूट, म्यूट है, म्यूट अनम्यूट करके बोलना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि इस ध्यान योग में कि योग अभ्यास अगर जो मतलब जो पढ़ा रहे हमको अष्टांग योग इस 6th अध्याय में, लोगों को जो भी करना चाहता हो, जो भी इस पथ पे चलना चाहता हो, मतलब उसे हर तरीके का बताया है, इसमें बता रहे हैं कि उनको न ज्यादा ऊंचा आसन पे रहना चाहिए, न ज्यादा नीचे पे, और कुशा लगानी चाहिए नीचे जो कि पवित्र मानी जाती है, उसके ऊपर फिर एक सॉफ्ट सा लगाना चाहिए कुछ कवर या मृगशाला, और जिसको जो करना है जैसे मेडिटेशन कैसे करना है, आंखों के बीच में वो फोकस करना है, जो भी है जिन्होंने बताया है कि ऐसे कर सकते हैं, और अपने कंसंट्रेशन करके। लेकिन प्रभुपाद महाराज बोलते हैं कि ये हम लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी इतना आसान नहीं है, ये पुराने पहले होता था सत्ययुग वगैरह में, अभी भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं मेडिटेशन वगैरह, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते। हमारे पास जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो सबसे अच्छा है संकीर्तन है, जो अपना कहीं भी बैठो, कहीं भी चलो, रास्ते में चलो, कुछ भी चलो, अपनी माला जपो, भगवान श्री कृष्ण का नाम लो, और हरे कृष्णा जो महामंत्र है उसका जप करते रहो, हमारे लिए वही हमको
परमात्मा में पहुंचा देगा, वही हमारे लिए जरूरी है। वेरी वेरी गुड। एक्चुअली ये अष्टांग योग पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए करना। हम लोगों में से कितने लोग कर सकते हैं, या आप जिनको देखते भी है मेडिटेशन करते हुए ना, उस मेडिटेशन से कुछ नहीं होने वाला है, या 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन नहीं होता है। अष्टांग योग, योग ध्यान जो वो है, वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का नहीं होता है। एक बार में हजारों साल बैठने हैं। सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख साल उम्र हुआ करती थी, 1 लाख ईयर्स, तो 1 लाख साल है तो लोग बैठते थे 30,000-40,000 ईयर्स। वाल्मीकि ने 60,000 ईयर्स किया था, 60,000 साल वाल्मीकि, और वो मेडिटेट कर रहे थे मरा 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 60,000 ईयर्स, 60,000 साल सतयुग से त्रेता तक आए थे। सो कहने का अर्थ है, जो इस चैप्टर में अभी इस श्लोक में बतलाया गया है कि जिस प्रकार से ये विधि बतलाई गई है, ये विधि हमारे लिए प्रैक्टिकल है ही नहीं। ठीक है, कोई और कोई कुछ पॉइंट बतलाना चाहता है पीछे के श्लोक से? हर्षिता माता जी, प्रभु जी इस श्लोक में यही बोला गया था कि कलयुग में मतलब लोग बहुत इंटॉलरेंट है, उनकी आयु बहुत कम रहती है, तो योगाभ्यास करना जो अष्टांग योग है वो प्रैक्टिकल नहीं है, साधना लगाना या ऐसे जाके तपस्या वगैरह करना, तो कलयुग में जो एकमात्र साधन है वो है हरि का नाम लेना, उसी से आप तो मतलब अपना वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं अभी बताती हूँ, आप किसी और से पूछ लीजिए, मैं अभी आती हूँ। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गृहस्थ आश्रम में तो अष्टांग योग पॉसिबल ही नहीं है, हमारे लिए तो है ही नहीं है। हम प्रभु की शुद्ध भक्ति ही कर सकते हैं, जिससे कि हम उनको उनके करीब जा सकते हैं, उनको पा सकते हैं, जो भी जितना हम एफर्ट लगा सकते हैं, भजन कीर्तन पूजा पाठ उनकी सेवा सब करके। और ये जो ऊंचा नीचा आसन का है, मेरे समझ से ऐसा लगा जैसे कि इसका मतलब है कि जब हम ध्यान में थोड़ी देर माला जाप के लिए तो ऐसा बैठे कि जहां हम डिस्टर्ब ज्यादा नहीं हो सके, हम आराम से बैठेंगे तभी थोड़ा देर भी मतलब अच्छे जगह पे बैठेंगे। अब ऐसे पैर में दर्द होगा तो जब भी कहां ठीक से कर पाएंगे, तो इसीलिए ये आसन का क्या ये मतलब है? अपने प्रश्न पूछा क्या? जगह बैठे कि हम कंफर्टेबल रह सके तो हम कुछ कर सके। अष्टांग योग तो खैर कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसे पूजा पाठ जो जप कर रहे हैं। आप पूछना चाह रहे हैं, बतला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला। पूछ रहे हैं प्रभु जी, पूछ रहे हैं कि इसका मतलब ये है क्या कि मतलब ऊंचा नहीं नीचा नहीं, ये जो बोल रहे हैं प्रभु जी, तो ये तो अष्टांग योग के लिए, लेकिन हमारे लिए भी ऐसा है क्या कि ऐसे जगह बैठे कि जहां से हम आसानी से मतलब जो भी अपना जाप वगैरह करते हैं वो ठीक से कर सके, ऐसा है क्या? मैं पूछ रही हूँ आपसे। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी हाँ। सबसे पहले तो आपने कुछ पॉइंट्स बोले कि गृहस्थ आश्रम के लिए पॉसिबल नहीं है, किस किस के लिए पॉसिबल है ये? ये तो जो बहुत ही मतलब योगी लोग हैं, जो हम कहां से अष्टांग योग नहीं कर सकते ना प्रभु जी। कौन कौन से योगी को जानते हैं आप? योगी तो जो मतलब घर बार छोड़ के तीर्थ स्थान में जाके ऐसे सालों साल हजारों साल जैसा आपने बताया कि मतलब बैठते हैं, जानते हैं क्या किसी को, दिखे हैं क्या हजारों साल वाले कोई? जी अभी तो खैर हजार साल जीते ही नहीं है, वो तो है ही नहीं। इसीलिए वही बोलना है जो हो सकता है जी। ये बतलाया जा रहा है सतयुग में होता था जी, अभी के टाइम प्रभुपाद जी ने परपट तात्पर्य में लिखा है कि अभी जो योग होता है वो ठगने का काम है, अभी हो ही नहीं सकता है मतलब, और जो करते हैं सो आपको दिखाई नहीं देंगे। पहली बात तो ये, जो लोग इस योग को करते हैं वो सामान्य लोग के सामने आते ही नहीं है, क्योंकि वो तो पवित्र स्थान पे रहते हैं,
उस शहर में थोड़े नहीं रहते हैं दिल्ली में और मुंबई में आकर के बैठेंगे आपके हमारे सामने। वो एडवर्टाइजमेंट के लिए आते ही नहीं है, वो ये बाबा और योगी नहीं है जो टेलीविजन पे और इस सब चीजों पे दिखाई देते हो। पहली बार लोग दिखते नहीं है। तो ये योग गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो या संन्यास हो, कलयुग के लिए ये योग नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हमको ये समझ में आना चाहिए, ये योग है ही नहीं। और जो कर सकते हैं वो रेयर है, और जो रेयर है वो हमको दिखते नहीं, ठीक है। तो कलयुग के लिए ये है ही नहीं। दूसरा प्रश्न है कि जो इसमें ऊंचा नीचे की जो आसन की बात की गई, सिटिंग पोस्चर की बात की गई, क्या इसका इसका बिल्कुल लेना देना इससे नहीं है कि हम चेयर पे बैठ रहे हैं तो चलें, या हम बैठे हुए हैं नींद आ रहा है तो चलें, या पैर में दर्द हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो भी प्रोसेस बतलाया गया है वो स्टांग योगियों के लिए है। मतलब वो लोग सत्युग में कैसे करते थे भगवान उसके विषय में बस बतला रहे। ये इसमें केवल एक लाइन जो नीचे का है, योगम आत्म विशुद्ध है, ये पॉइंट ही सारे वो हमसे जो हम फॉलो कर रहे हैं उससे मिलता है। बाकी सारी प्रोसेसेस जो है वो डिफरेंट है। योग का योग करने का जो फल है वो यह होना चाहिए कि हमारी आत्मा, नॉट आत्मा, हमारा हृदय शुद्ध हो। हृदय शुद्ध हो मतलब अटैचमेंट कम हो। आप लोग जनरली ये शब्द को हम लोग बहुत हल्के तरीके से लेते हैं। हम लोग सोचते हैं आत्मा शुद्ध हमारा, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी आत्मा शुद्ध होना का मतलब होता है किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना। आत्मा शुद्ध का या हृदय शुद्ध का अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता है, ठीक है। आत्मा शुद्ध का अर्थ होता है कि हमको किसी भी प्रकार का भौतिक अटैचमेंट, आसक्ति नहीं होना, ठीक है। जो आसक्ति हमको जकड़े हुए है, काम क्रोध लोभ मोह अहम ममेति, मैं और मेरे के बीच में, उससे दूर जाना, ठीक है। ये सारी चीज जो होती है ना, जो हम लोग सुनते आते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, ये सब नीति शास्त्र है, मोरल इंस्ट्रक्शंस है। ये सारी चीजें अपने आप हो जाएगा जब आप किसी चीज से भौतिक चीज से आसक्त नहीं होंगे। तो जैसे ही आप अनासक्त हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि हर एक वस्तु जो है वो भगवान का है और जितने भी लोग हैं वो सारे भगवान के पुत्र हैं, तो हम किसी जब हम भी भगवान के पुत्र हैं, बाकी लोग भी भगवान के अंश हैं, पुत्र हैं, तो ऑटोमेटिकली एक यूनिवर्सल भाईचारा क्रिएट हो जाएगा और हम एक दूसरे को कष्ट नहीं देंगे। लेकिन हो सकता है कि आर्टिफिशियली भी हम एक दूसरे को कष्ट न दें, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति रति नहीं उत्पन्न हुआ, तो श्रमेव ही केवलम, ठीक है। ये पॉइंट, यस मीनाक्षी माता जी, पिछले श्लोक से भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी पिछले श्लोक का मुझे अभी याद नहीं है, मैं इसी श्लोक का बताऊंगी। किसी भी योग पद्धति का परम उद्देश्य हमारी चेतना को शुद्ध करना होता है, और जितने भी योग समितियां जो मेडिटेशंस वगैरह कराते हैं वो सब कृत्रिम तरीके हैं, उनसे फर्क तो पड़ता है लेकिन वो फर्क टेम्परेरी होता है। सबसे उत्तम योग भक्ति योग है, और भक्ति योग के द्वारा ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। वेरी गुड, यस। और कौन बोलेगा? इतलेस माता जी, यस। मैं बोलूं? इसमें बताया है जिनका मन चंचल है या जिनका मन जो है वो स्थिर नहीं है और आत्मसंयमी नहीं है, वो ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हमारा मन स्थिर रहना चाहिए, हमें हमारा इंद्रियां मन ये जो है एक एक स्थान पर स्थिर हो, एक जंग, तभी हम ध्यान कर सकते हैं, बिना स्थिर हुए नहीं कर सकते। इसलिए हर एक आदमी के लिए ये आसान नहीं है। नहीं है, क्योंकि मन चंचल है। क्योंकि आप देखेंगे इसी छठे अध्याय के लास्ट में 33वें नंबर श्लोक में अर्जुन बोलेंगे भगवान को, आपने जो इतनी कहानी सुनाई है इसी श्लोक से बतलाते हैं वो, प्रपाजित तात्पर्य में लिखते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम। वो बोलते हैं आपने जो बताया ये प्रैक्टिकल नहीं है।
ये तो वायु को जिस प्रकार से कंट्रोल करना है, एयर को, उस प्रकार से उतना ही कठिन है मन को कंट्रोल करना। इसीलिए उसके तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इसलिए बतलाते हैं कि क्या तरीका है मन को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का, क्या है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कौन सा योग करो, वो योग करो जिसमें कि जस्ट हमको बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी आपको लगे कि मन कंट्रोल करना है, मन बहुत व्यथित है, मन बहुत तकलीफ में है, मन बहुत एजिटेटेड है, तो आपको इसका उच्चारण करना है। न कि वो ध्यान व्यान से कुछ नहीं होगा, आंख बंद करेंगे तो प्रॉब्लम जो आपका है वो और जब बड़ा होकर के आपके सर पे बैठ जाएगा। केवल नाम के माध्यम, नाम ही एक माध्यम है कलयुग में, ठीक है। या संगीता माता जी कुछ बोलना चाह रही है, हरे कृष्णा, संगीता माता जी कुछ बोलेंगी, कोई और कुछ बोलना चाह रहे हैं, एनीबॉडी? यस यस हर्षिता माता जी बोलिए। प्रभु जी, जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उनका नाम जप करेंगे, उतना ही हम भगवान से कनेक्ट होंगे और मटेरियलिस्टिक चीजों वस्तुओं से दूर होंगे और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, तभी हमें बहुत ज्यादा कलेक्शन करने की भावना, बहुत ज्यादा मेटेलिस्टिक भौतिक चीजों से जुड़ने की चीजें भावना कम होगी। तो जितना से ज्यादा भगवान का नाम जपना और भगवान के बारे में सुनना, तभी हमें भगवान से बतलाएगा। मतलब हम जितने अपने आप को दूरी बनाएंगे भौतिक कर्मों से, दूरी बनाएंगे, अगेन हमने कल भी बतलाया था कि जो बोलते हैं रिनन्सिएशन की भावना, सन्यास की भावना, सन्यास शब्द का अर्थ ही होता है सतन्यास, मतलब जो सत है उसके नजदीक जाना या सत की चीजों को अपने जीवन में लाना। सन्यास शब्द का अर्थ ये नहीं है कि चीजों को बस छोड़ते जाओ त्यागते जाओ, ऐसा नहीं है। हमको इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्यागना है। अनासक्तस्य विषयान, हमने श्लोक पढ़ा था, रूप गोस्वामी लिखते हैं, हमको अनअटैच्ड होकर के सारी भौतिक वस्तुओं का को भगवान की सेवा में लगा करके प्रसाद रूप में उसको यूज करना चाहिए, है ना। और जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए भौतिक चीजों का, ठीक है। एक पुस्तक है जिसका नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, उसमें भी बतलाया गया है कि जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और किसी को कुछ बोलना है? आप लोगों ने चैंटिंग तो कर ही लिया है, तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर किसी को कुछ नहीं बोलना है, एनीबॉडी? ठीक है, सो कल हम लोग कोशिश करेंगे समय पे मिलने का। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय श्री श्री निताई गौरंग की जय, जय श्रीमद् भगवत गीता की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय हरि नाम संकीर्तन की जय, जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय तुलसी महारानी की जय, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेम नंदे हरि हरि हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।